दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। सो मेरा नाम है जतिन, जैसा आप सब लोग मुझे जानते हो। तो ये है पियानो का लेसन नंबर 14, जिसमें आपको मैं समझाने वाला हूँ कि स्टकाटो और लिगाटो नोट में क्या डिफरेंस होता है। तो इस शीट के थ्रू आपको मैं सिखाऊंगा। सबसे जो पहली जो गुड न्यूज़ आपको मैं देना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे जो फैमिली में 10,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, होने वाले हैं, 5 या 6 रह गए हैं सब्सक्राइब करके, उसको पूरा कर दो आज का गोल। तो करते हैं इस लेसन में शुरू और सीखते हैं कि स्टकाटो लिगाटो में क्या डिफरेंस होता है। और उसके उसके बाद जो लोग इस चैनल पे नए हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी शीट आपको मैं सिखाता हूं यहां पे, उसका लिंक मैं आपको नीचे देता हूं बॉक्स में, ताकि आप वहां से उसको डाउनलोड कर सको। क्योंकि अगर ऐसे सीखोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा, लेकिन ये शीट अगर आपके सामने भी होगी, PDF फाइल में देता हूं, तो अपने किसी दूसरे लैपटॉप या टैबलेट में, आईपैड में किसी में खोलो एंड उसके साथ आपको आप पियानो बजाओ। ठीक है, तो करते हैं इसको स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट करते हुए। चलिए तो दोस्तों करते हैं इस लेसन को स्टार्ट। गेम मेरे सामने म्यूजिक शीट है द स्टीम आयरन, इसका मैं आपको जो है PDF फाइल मैंने आपको दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका लिंक है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लो एंड किसी दूसरे आप फोन में, आईपैड में या टैबलेट में, लैपटॉप में किसी में खोल के देन उसको प्ले करो। ठीक है, तो आप अपनी शीट में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रैक्टिस स्लोली। तो स्लोली प्रैक्टिस का मतलब ये है कि कोई भी म्यूजिशियन, कोई भी एक आर्टिस्ट, मैं या आप लोग या कोई भी होता है, तो उस म्यूजिक शीट को बजाने से पहले उसको वो बहुत स्लो स्लो बजाता है। मतलब कि इसको वार्म, पहले तो अपनी फिंगर ऐसे सी पोजीशन पे लाके थोड़ा सा वार्म अप करता है, जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, 5-10 मिनट्स ये करने के बाद फिर वो म्यूजिक शीट प्ले करता है या पियानो बजाता है। तो इस पे आते हैं, प्रैक्टिस स्लोली लिखा हुआ है। कोई भी शीट आप बजाते हो उसको पहले स्लो प्रैक्टिस करो फिर फास्ट प्रैक्टिस करो। तो उसमें लिखा हुआ है स्लो प्रैक्टिस कीप्स योर प्लेइंग क्लीन एंड क्लियर, फास्ट प्रैक्टिस टेंड्स टू मेक योर प्लेइंग मेसी, सो इट्स अ गुड रूल टू ऑलवेज प्रैक्टिस स्लोली। हिंदी में समझाता हूँ, जैसे हम कोई चीज़ को धीरे बजाते हैं तो वो हमारी जो प्लेइंग होती है वो बहुत क्लीन एंड क्लियर होती है, मतलब एक एक चीज़ हमें सुनाई देती है अच्छे से। फर्स्ट प्रैक्टिस हम करते हैं तो हमारी क्या होता है, प्लेइंग बहुत ज़्यादा मेसी हो जाती है। जैसे कि कुछ नोट हो सकता है मैं रॉन्ग प्ले कर दूं, जैसे कि अगर मैं आपके सामने की आरपेजियो बजाऊं तो इसमें कुछ नोट ऐसे मेरी फिंगर स्लिप भी हो गई थी बीच में, अपने अगर नोटिस किया होगा। तो अगर मैं इसी चीज को स्लो बजाऊंगा तो कितना क्लियर एंड क्लीन क्लीन साउंड मतलब आ रहा है, आपको सुनाई दे रहा होगा डिफरेंस। तो ऐसे ही ये जो म्यूजिक शीट है द स्टीम आयरन के नाम से, इसमें इन्होंने ये ब्रैकेट में चीज लिखी हुई है। ठीक है, तो अब आप यहाँ आ जाओ द स्टीम आयरन स्टकाटो स्टडी। तो देखो हमारे म्यूजिक में क्या होता है कि दो तरह के नोट होते हैं, एक होता है स्टकाटो और एक होता है लिगाटो। जो स्टकाटो नोट होता है वो कुछ ऐसे बजता है, मैं रेंडमली कोई भी की बजा रहा हूँ, की से कोई मतलब नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टकाटो क्या है। कि कोई भी की को ऐसे बजाना, पूरा उसको ना प्ले करना, हल्का सा टच करके देन वापस, समझ आया। तो ये हो गया स्टकाटो एंड की ऑफ जी मेजर 1 शार्प। जी मेजर ही एक ऐसी की है जिसके अंदर एक शार्प आता है, सी जी ए बी सी डी ई एफ शार्प जी। अगर मैं इसमें एफ लगाऊंगा तो बहुत वियर्ड सा साउंड करेगा, है ना, 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 ना। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें ये लगाना पड़ेगा एफ शार्प। लेकिन इसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको समझाऊंगा कि वो शार्प हमने क्यों लगाया है। ठीक है, अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं स्टकाटो एंड लिगाटो। तो स्टकाटो आपको समझ आया कि नोट को ऐसे बजाना, ठीक है। द स्टीम आयरन का मतलब क्या है, एक आयरन जो एक जिसको हम कुछ लोग प्रेस भी बोलते हैं, जैसे हम कपड़ों को हम आयरन करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो आपको ये इमेजिन करना है कि ये आपकी जो कीज़ है ना, ये कीज़ बहुत ज़्यादा गर्म है एंड आप उसको हाथ लगा रहे हो एंड हमें पता नहीं है ये चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म है। देन आप क्या करोगे, आपका माइंड खुद बोलेगा कि वो एक बार आप दूर करो, मतलब उससे फिंगर, है ना। तो सोचो ये हमारा नोट है, ये हमें ऐसे प्ले करना है, हमें ऐसे प्रिटेंड करना है कि दिस इज लाइक अ स्टीम आयरन, ये आयरन है मतलब एक तरह का। तो हम इसका राइट हैंड पहले प्ले करते हैं, मैं आपको राइट हैंड सेपरेटली प्ले कर सुनाता हूँ कैसे बजेगा ये।
एंड काउंट करना, यू मस्ट काउंट। अगर आप काउंट नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि वो नोट, जो नोट आप बजा रहे हो वो कौन से आप बीट पे हो, एंड वो एग्जैक्टली उस बीट पे, रिदम पे वो हिट नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपका म्यूजिक थोड़ा सा आउट ऑफ बीट हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप बिगनर हो इसलिए आप काउंट कर रहे हो। इवन अगर मैं भी कोई पियानो कोई पीस प्रैक्टिस करता हूँ तो उसको मैं भी काउंट करता हूँ, डजंट मीन कि आप सीखतर हो या बिगनर हो, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। टाइम सिग्नेचर 4/4 है। 4/4 का मतलब ये होता है कि भाई ऊपर वाला जो नंबर होता है वो हमें बताता है कि जो एक मेजर है, एक बॉक्स है, उसके अंदर 4 नोट्स हैं। नीचे वाला जो 4 है वो बताता है कि वो 4 नोट कितनी बार है। तो ये 1, 2, 3, 4 मेजर के अंदर 4 नोट है। तो हम इसमें काउंट करेंगे, राइट हैंड बजाऊंगा 1 and 2 and 3 and 4 and 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 1. अब जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे वो कहेंगे यार ये बंदा 1 and 2 and क्या कर रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने मेरी पहली वीडियो जाके देखो, शायद से लेसन नंबर 7 है उसका नाम, व्हाट इज द 8th नोट, मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, तो आपको समझ आएगा कि मैं 1 and 2 and क्यों काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, सेकंड हैंड बजाते हैं 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4. अब बजाते हैं लेफ्ट हैंड, ये जो लेफ्ट हैंड है फर्स्ट नोट यहाँ पे जी है और फिंगर नंबर 5th है, तो 5 फिंगर नंबर जी, ये हमारा मिडिल सी है, 5 हमारा क्लियर। फिंगर नंबर 1 रखना है, ये सी के ऊपर वाला नोट है डी, तो ये ऐसे प्ले करना है और ये 4 बिट्स के लिए होल्ड करना है और यहाँ पे ये काउंट चलता रहेगा। यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक बजाऊंगा, फर्स्ट लाइन से लेके सेकंड लाइन तक। 1 and 2 and 3 and 4 and 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 समझ आया? सेकंड लाइन 1 and 2 and 3 and 4 and 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 1 and 2 and 3 and 4 and
अब थर्ड लाइन से लेफ्ट हैंड में मेलेडी होगी, इन राइट हैंड में कॉर्ड्स प्ले होंगे। सी यहाँ पे फिंगर नंबर 3 है, बी नोट नीचे वाला, एंड यहाँ पे डी है फिंगर नंबर 1, और यहाँ पे क्या है 1 और 5 से जी एंड डी कॉर्ड हमें प्ले करनी है। तो 1 and 2 and 3 and 4 and 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 लास्ट लाइन 1 and 2 and 3 and 4 and 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 1 and 2 and 3 and 4 and
तो यही है जो मैं यहाँ पे बजा रहा था लास्ट लाइन के अंदर ही कॉर्ड, यानी कि हमें नोट को लिगाटो मतलब नोट वो जो हमें जो स्मूथ एंड कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि ये हमारा लिगाटो नोट है और स्टकाटो क्या होगा ये। अब मैं एक स्केल बजाऊंगा जी मेजर स्केल, पहले बजाऊंगा स्टकाटो फिर बजाऊंगा लिगाटो, डिफरेंस आप देखना। ये है लिगाटो, ये है जी मेजर स्केल स्टकाटो, समझा? तो अब मैं पूरा पीस आपको प्ले कर सुनाऊंगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो जब आप इस पीस को कंप्लीट कर लेंगे फिर उसके बाद आप इस पीस से अपना पीस कंपेयर करना कि आप कहां गलती कर रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट, 1 and 2 and 3 and 4 मैन। दोस्तों आपको समझ आया होगा कि जो स्टीम एरन ने जो सॉन्ग है हमने सो ऐसे बजाया, और आपने सीखा होगा कि इसमें लिगाटो और स्टकाटो नोट क्या होता है। जो लोग चैनल पे नए हैं या पुरानी वीडियो जाके देखो, मैंने इस नोटेशन का पूरा बताया हुआ है कि भाई
ट्रबलिंग लेफ क्या होता है, बेस लेफ क्या होता है, टाइम सिग्नेचर क्या होता है, नोट्स क्या होते हैं और टेम्पो क्या होती है। जैसे आप नोटिस किया होगा, आप लिखा हुआ 82 120, तो ये क्या है, मतलब इसको आप 80 से लेके 120 BPM पर, बीट्स पर मिनट पर आप इसको प्ले कर सकते हैं। तो सबसे खुशी की बात यही है कि हमारे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। और आप जो अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ आप कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो, जो आपका डेफिनेटली जो आपका क्वेश्चन होगा मैं उसका आंसर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन, जो हमारा होगा लेसन नंबर 15। और अगर आप कुछ चाहते हो कि मैं पर्टिकुलर किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे बताओ, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा। जैसे कि स्किल्स, RPGs, कोई भी, जितने ज़्यादा आप लाइक्स करोगे, जितने ज़्यादा कमेंट करोगे, उतने ज़्यादा मैं उसको हाईलाइट करूँगा उस टॉपिक को, देन उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो लोग पियानो सीखना चाहते हैं, ताकि जो इस लॉकडाउन जो भी चल रहा है तो इसका वो अच्छे से टाइम को मतलब वेस्ट ना जाने दें एंड कुछ सीखने में उसको यूटिलाइज करें, मतलब अपने टाइम को। तो यही है आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन में। जैसे आप लोगों ने 10,000 सब्सक्राइबर मेरे कर दिए, ये आप सब लोग का प्यार है, सपोर्ट है एंड ऐसे ही चैनल को मैं चाहता हूँ कि हम पूरा 1 मिलियन तक उसको लेके जाएं। तो ये आप सब पे डिपेंड करता है, मेरा काम है बस वीडियोज़ बनाना, आप लोगों को कुछ नया सिखाना एंड कुछ नहीं चाहिए, बस आप सबके साथ शेयर कर दो एंड उन लोगों की हेल्प कर दो जो लोग पियानो सीखना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फ़ी नहीं अफोर्ड कर पाते, तो और जो लोग फ़ी की बात भी नहीं है, जो उनके पास टीचर ही नहीं है जो उनको अच्छा पियानो सिखा सके, तो ये भी एक बहुत बड़ा वो होता है। जैसे कुछ लोगों के पास, जो कुछ लोग होते हैं उन पे बहुत लिमिटेड टाइम होता है, ऐसे 3 ईयर्स होते हैं, 4 ईयर्स होते हैं लाइफ के एंड उन लोगों को सही टाइम पे सही टीचर ना मिले तो हो सकता है उनका पियानो से इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाए, वो हो सकता है नफरत भी करने लगे पियानो से कि यार क्या है मतलब। तो ऐसी फीलिंग ना आए उनके मन में, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी सच्चाई से रूबरू करो कि हाँ भाई एक चीज़ होती है नोटेशन, उससे हम करेक्टली ऐसे पियानो हम बजाते हैं एंड ऐसे ये होता है मतलब करेक्ट वे, वो नहीं होता कि CDFG नोट को लिख के आपको दे देने ना आप उसको ऐसे बजा रहे हो। सो दिस इज़ द करेक्ट वे टू प्ले द पियानो एंड ऑल्सो लर्न। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन में, चलिए विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।